Once again, good morning to all of you. Shanvi, how are you? Now listen it carefully. I am happy. Keep out chapter 5. चैप्टर 5 निकाल के रखिए। पेज नंबर 66। कीप आउट चैप्टर 5 पेज नंबर 66। सबने निकाल लिया, गिवन हम सब निकाल लिया। ओके, नाउ हियर वी कैन सी। इससे पहले आपको बच्चों ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया था। हियर इन दिस फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर्स टिक द टिक दोज व्हिच हैव कॉर्नर्स, डू दिस फिगर हैव कर्व लाइन आल्सो। किस फिगर में कॉर्नर है? तो ये दिस एंड ये फोर फिगर में कॉर्नर्स था एंड इनमें कर्व लाइन भी थी साथ में। देखिए कर्व लाइन भी थी यहाँ पर, दैट फिगर है कर्व लाइन आल्सो। ओनली टू फिगर है दैट आर कर्व लाइन। नाउ यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन, ये वाला ध्यान से सुन लीजिएगा, नीचे वाला ये दिस वन। यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन यूज करके क्या आप कोई ऐसी, कैन यू ड्रॉ ए फिगर विच हैज नो कॉर्नर? सीधी लाइन यूज करके क्या आप कोई ऐसी फिगर ड्रॉ कर सकते हो जिसमें कॉर्नर ना हो? तो इट इज नॉट पॉसिबल। सीधा लाइन ही हम यूज करेंगे तो उस लाइन में कॉर्नर आएगा ही। ओके, ये ध्यान से सुन लेना बच्चों, ठीक है ना। है टेंग्राम। टेंग्राम क्या होता है? यहाँ पर एक पेपर है, सपोज ये स्क्वायर पेपर है, उसमें इस तरह से पीसेस काटे जाते हैं। इधर 5 पीसेस है, आप देख सकते हो इधर, दैट इज The tangram is an old Chinese puzzle. ये पजल है, आपके पास में भी हो, भी घर में ऐसा पजल होता है। From the pieces of the tangram, इसके पीसेस से we can make many shapes of animals. एनिमल्स की शेप बना सकते हैं इन 5 पीस को यूज करके। 5 पीस आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 पीसेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये 1, ये 2, ये 3, 4 and 5। एक पेपर लेंगे स्क्वायर, उसमें 5 पीसेस इस तरह से कट करना है। How many triangles here? 1, 2, 3 triangles. Three number पे क्या है? Square. And this is already square, but it is quadrilateral. है ना? 4 sides are. This is special type of quadrilateral. ठीक है? Now from the pieces क्या है अब यहाँ पे? People and things. क्या क्या बना सकते हैं इनको use करके? हम different type of shape बना सकते हैं और पीपल बना सकते हैं, तरह तरह की चीजें बना सकते हैं। एट द बैक ऑफ द बुक यू विल फाइंड ए स्क्वायर लाइक द वन ऑफ दिस फिगर। बैक में आपकी बुक के बैक में हो सकता है, मे बी आई डिडंट सीन टिल नाउ, तो वहां पर ऐसा टेंग्राम का पिक्चर दिया गया होगा, उसमें 5 पीसेस आप कट करके निकाल सकते हो। दिस सेट ऑफ 5 पीसेस इज कॉल्ड 5 पीस टेंग्राम। इसको क्या बोलते हैं? 5 pieces tangram. 5 क्योंकि इसमें 5 pieces है, so that's why we say 5 pieces tangram. Now use these 5 pieces to make the following figures. अब इन 5 pieces को use करके हम ये वाली figures बना सकते हैं। देखिए ये this इस तरह के figure इन्हीं 5 से बनाएंगे, बस इसी तरह का 5 figure होना चाहिए, इस तरह का। ये pieces हम इनको use करके that figure we can make it, है ना? अब नेक्स्ट पेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट? आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज? फाइंड आउट। इस वाले टेंग्राम में इसमें कितने स्क्वायर हैं आपके, सॉरी कितने ट्राइंगल हैं? दिस इज द वन, तो हियर यू कैन सी कितने ट्राइंगल हैं इसमें। सो यू कैन सी, देखिए एक ट्राइंगल है, दिस इज एंड दिस एंड दिस, देयर आर 3 ट्राइंगल्स, है ना? 3 ट्राइंगल्स है,
एंड ओनली दीज टू ये वाले ट्राइंगल्स, ये क्या है बच्चों? आर क्वेश्चन इज आस्किंग आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, क्या सब साइज में सेम है? ये तीनों ट्राइंगल साइज में आपको सेम दिख रहे हैं? नो, दीज टू ओनली दीज, ये फाइव और टू नंबर सेम है और वन वाला इनसे बड़ा है, ये वाला ट्राइंगल इनसे बड़ा है, ये तीनों ट्राइंगल साइज में इक्वल नहीं है, ओनली टू एंड फाइव आर इक्वल इन साइज, टू एंड फाइव साइज में इक्वल है। तो लेकिन इक्वल कैसे है, कैसे पता चलोगे? वी कैन मेजर ईच साइड, हम इनको कैसे पता करेंगे कि दोनों इक्वल है, ये टू और फाइव, तो हम इनकी साइड्स को कैसे पता चलाएंगे? मेजर कर लेंगे, यहां से स्केल है ना हमारे पास, हम ये वाला साइड यहाँ से ऐसे स्केल से रख के मेजर कर लेंगे, इसका साइड और इसका यहाँ से ये वाला साइड, दोनों अगर इक्वल होंगे तो बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, है ना। सो यहाँ पे था ये क्वेश्चन, क्या था ये वाला, हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट, फाइव पीसेस टेंग्राम सेट है, कितना है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, तो कितना है, यू कैन फिल द आंसर हियर, थ्री ट्राइंगल्स, हाउ मेनी ट्राइंगल्स हियर, यू कैन राइट थ्री थ्री ट्राइंगल्स, थ्री ट्राइंगल्स है ना, यू कैन राइट इट, एंड ओनली टू आर इक्वल ओनली टू आर इक्वल, दो इक्वल है बस इनमें, और इनको कैसे पता चलेगा इक्वल है, बाय, फिर कैसे पता चलेगा, वी कैन ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या था जो मैं बता रही हूं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स है, थ्री ट्राइंगल्स। नाउ नेक्स्ट है, डू यू हैव ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज, ओनली टू आर इक्वल इन साइज, दो ही इक्वल है साइज में, वी कैन मेजर ईच साइड ऑफ ट्राइंगल्स, कैसे पता चलेगा ईच साइड, हम उसका ये क्वेश्चन था ना, हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन ए, ये दिस वन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट, कितने हैं, फाइव है ना, फाइव पीसेस सेट है ये वाला, दिस वन, ये देखिए फाइव पीस है ना, फाइव पीस सेट है 10 ग्राम का, एंड आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, क्या ये सारे इक्वल है साइज में, दैट आर इक्वल, तीनों ट्राइंगल्स क्या, वन टू थ्री, ये वन नंबर टू नंबर और फाइव नंबर, ये तीन ट्राइंगल्स है, लेकिन ये वाला इन सबसे बड़ा है, वन नंबर टू और थ्री से, टू और फाइव से बड़ा है, टू और फाइव दोनों इक्वल है साइज में, है ना। नाउ फाइंड आउट, कैसे पता चलेगा कि वो साइज में इक्वल है, हम हर एक उस ट्राइंगल को स्केल से मेजर कर लेंगे, उसकी साइज यहाँ से मेजर कर लेंगे, यहाँ पे रख के स्केल यहाँ से मेजर कर लेंगे इसको और इसको, तो पता चल जाएगा कि दोनों का मेजरमेंट अगर सेम होगा तो बोथ आर इक्वल इन साइड। Now, this one, use two number, use the two small triangles in the tangram set to get the following shapes. ये वाला shapes आपको इन triangles में से, tangram में से पता करना है, किस में से, इसमें से। अब कौन कौन सा यूज करना है, देखिए यहाँ पर नंबर टू में ट्राइंगल बनाने के लिए हमको टू और फाइव, अब आप बोर्ड पे देखेंगे थोड़ा, पहले यहाँ पे देख लीजिए, वन वाला हम कैसे बनाएंगे, टू वाला कैसे बनाएंगे, दो पीस यूज करना है ट्राइंगल्स के दोनों सेम, है ना, इधर हम टू और फाइव यूज कर लेंगे, इधर कौन कौन सा पीस यूज करेंगे, वी कैन राइट हियर, यहाँ पर नंबर टू एंड फाइव, टू एंड फाइव, टू एंड फाइव पीस अगर यूज करेंगे ट्राइंगल का,
नंबर टू और फाइव पीस यूज करके हम ये वाला शेप बना सकते हैं, ये वाला शेप। अब इसमें कौन कौन सा टू और फाइव यूज करके भी, दिस वन ऑल्सो, इसमें भी हम टू और फाइव यूज करके बना सकते हैं। कौन कौन से शेप आप देख लीजिए, ये वाला, दिस वन, ये टू और फाइव यूज करके हम वो वाला शेप वहां पे बना सकते हैं। आप बोर्ड पर देखिए, देखिए ये हमने पीस बनाया था, ठीक है। समझ आया बच्चों? यस मैम। शेप्स तो आपको इमेजिन करना है, देन ये फाइव पीसेस है तो आप अपना ये, अब ये वाला शेप आप सोच के रखिए कि कौन सा पीस यूज करोगे, इसमें से कौन से पीस यूज करके
आप समृद्धि, थम्स अप दीजिए, समझ आ रहा है? समृद्धि समझ आ रहा है बच्चों? ओके, अब आपको म्यूट क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज यू आर मेकिंग सो मच नॉइज, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग म्यूट टू यू ऑल नाउ. अब क्या है, तो इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया था आपको. नाउ नंबर थ्री, विच टू पीसेस, दिस वन, पेज नंबर 67 का रीड कर रही है मैं, और मैं इनके आंसर भेज दूंगी आपको. आई सेंड द आंसर, विच पीसेस यू विल यूज. ठीक है, कैसे आपको बनाना है? आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है अपनी नोटबुक में, ये शेप बनाने के लिए कौन से आप ट्राइंगल यूज करोगे, उनका नंबर भी लिख देना है. आपने नंबर टू यूज किया, नंबर फाइव किया या नंबर थ्री किया, कौन सा ट्राइंगल आपने यूज किया या कौन सा स्क्वायर आपने यूज किया, यू हैव टू राइट द नंबर. ओके, नाउ नंबर थ्री, विच टू पीसेस, दिस वन आई एम रीडिंग हियर, विच टू पीसेस ऑफ द टेंग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम, फाइंड आउट. मतलब पीसेस टू एंड फाइव कौन से सेम है, बिल्कुल टेंग्राम का है हमारा ये, है ना, कौन से एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल बराबर है. तो टू और फाइव ऑलरेडी एग्जैक्टली सेम, एकदम सेम है, हम मेजर करके पता कर सकते हैं, स्केल से मेजर कर सकते हैं. वी कैन चेक दैट बाय मेजरिंग ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, हम इनको चेक कर सकते हैं. कैसे? इनका ये मेजर कर लेंगे, लॉन्ग साइड मेजर करके स्केल से हम इनको चेक कर सकते हैं. नाउ नंबर फोर, हियर टेक पीसेस फोर एंड फाइव एंड सेट एंड फाइंड आउट ऑन विच साइड ऑफ द ट्राइंगल यू कैन जॉइन द अदर पीसेस. अब फोर एंड फाइव लेना है, इसमें से फोर एंड फाइव ये वाला लेना है आपको दोनों, ये फोर एंड फाइव, समझ आ रहा है कौन सा आई एम टॉकिंग? फोर और ये दो पीस लेना है आपको यहां पर, ये फोर एंड फाइव, और आप यू कैन जॉइन द अदर पीस. क्या है, टेक फोर एंड फाइव फ्रॉम द सेट एंड फाइंड आउट ऑन दिस साइड ऑफ ट्राइंगल्स यू कैन जॉइन द अदर पीस. कौन सी साइड आप दूसरे से ज्वाइन कर सकते हो, दूसरे पीस से ज्वाइन कर सकते हो उन ट्राइंगल्स की साइड, ठीक है ना. अब नाउ फाइव, फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस, पीस वन एंड टू, जो उनकी मैच कर सकते हो, साइड बराबर होनी चाहिए, इक्वल साइड होनी चाहिए. मतलब आप इसकी साइड, इसकी और इसकी, कौन सी साइड मैच कर सकते हो, दैट वन, इसकी साइड इससे कौन सी मैच हो रही है, इसकी साइड ये वाला. तो आपका क्या है क्वेश्चन, पीस वन एंड टू, फाइंड मैचिंग साइड अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीस वन और टू की, वन और टू की कौन सी साइड मैच हो रही है, दैट वन मैच करना है. तो क्या शेप बन रहा है, अगर इनको देखिए यहां पे हमने सी, अगर ये हमने दोनों मैच किए तो ये वाला शेप देखिए यहाँ पे बनेगा, ये टू और वन, तो इस तरह का शेप आएगा. देखिए ये इनका मैच किया तो ये वाला शेप बनेगा ना, है ना. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे, और पीस टू एंड फोर, टू एंड फोर को मैच करेंगे, टू एंड फोर, दिस वन टू एंड फोर, तो क्या मैच ही बन रहा है. यू कैन सी, अगर इनको मैच किया, ये वाला साइड यहाँ पे मिला दिया, ये वाला साइड इसका, ये वाला साइड, अगर हम यहाँ पे मिला देते हैं, यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल को उठा के इधर मिला देते, देखना पड़ेगा कि ये वाला साइड मैच हो रहा है कि ये वाला साइड, जो साइड यहाँ पे मैच होगा इक्वली, बराबर मैच होना चाहिए, इस वाले साइड को आगे नहीं जाना चाहिए, इससे बिल्कुल सेम सेम फिट होने चाहिए. तो ये वाला साइड तो इसका लॉन्ग हो जाएगा, तो दिस साइड, ओनली दिस साइड वी कैन मैच इट, ये वाला साइड यहाँ पर मैच होगा. यहाँ पर अगर इस ट्राइंगल को उठा के रखे तो ये वाला साइड यहाँ पे रख देंगे, ये वाला साइड ऐसे इसको घुमाकर यहाँ से इधर रख देंगे, तो फिर देखिएगा कौन सा शेप आप बना सकते हो. इसके मैं आंसर आपको भेजूंगी, तो आप उसका बना के रखिएगा नोटबुक में, ठीक है. अब ये वाला फाइव पीसेस टेंग्राम सेट था एंड दैट इज सेवन पीस. अब दूसरा वाला टेंग्राम सेट है दैट इज हैज सेवन पीसेस. हाउ मेनी पीसेस दैट है, सेवन.
देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 then here is a picture of 7 pieces tengam. You can cut out these pieces and put them together in different way to make some very interesting shapes. अब नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ हो सकता है पीस बना के लाऊं तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम इनमें तरह तरह के डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं. ये वाला इस तरह का देखिए, आप इनको यूज करके केवल इन 7 पीसेस को यूज करके आप ये बना सकते हो, डक बना सकते हो, कैट बना सकते हो. इस तरह से ओनली यू कैन यूज 7 पीसेस ऑफ दिस टेंग्राम, केवल 7 इन्हीं को यूज करके. देखिए इन पीसेस को यूज करके यू कैन मेक दिस, ये आप बना सकते हो इस तरह से. क्लियर है? अब क्या है, नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीसेस रिटन हियर. अब यूज ऑन, अब ये वाला पीस आपको बनाना है, क्या यूज करना है, यूज ओनली ट्राइंगल्स, केवल ट्राइंगल्स यूज करना है, स्क्वायर नहीं लेना है. तो हियर क्या करना है बच्चों, मैं आपको इसका आंसर भेज दूंगी. तो अब ये है इसमें यूज ओनली ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स यूज करना है. मीन्स अब आप कौन कौन यूज करेंगे इसमें, ये यूज होगा ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, दैट इज दैट, और ये वाला. केवल आपको 1, 2, 3, 5 पीसेस यूज करेंगे. क्या बनाने के लिए, ट्राइंगल यूज करना है. कौन सा शेप बन जाएगा अगर 5 पीसेस यूज करेंगे आप, दिस शेप, ये वाला शेप बनेगा, ये वाला. और पीस 1, 2, 3 and 5 यूज करेंगे तो आपका ये वाला शेप आएगा. कैसे आएगा, आई विल सेंड द आंसर. ये देखिए, मतलब 1, 2 and 3 and 5, 1, 2, 3 and 5 means this one, 1 ये यूज करना, 2, 3 and 5 ओनली. ये 4 पीसेज यूज करके आप कैसा शेप ला सकते हो, दिस शेप, ये वाला शेप बनेगा, ये दिस वन, जहां पे मेरा कर्सर दिख रहा है, यू कैन मेक दिस. अब और भी है, यूज ओनली 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स देखिए, मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे बताया, 2 ट्राइंगल्स यूज करके आप कौन सा शेप बना सकते हो, दिस वन. इसमें 2 ट्राइंगल्स है, ये भी 2 ट्राइंगल्स है, यू कैन मेक दिस, ओके, 2 ट्राइंगल्स, ठीक है, ये आप बना सकते हो 2 ट्राइंगल्स यूज करके. अब ना वीविंग पैटर्न्स, यहाँ पर गोलू एंड बीनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंटी, अपनी आंटी के साथ वो मार्केट गए. दे सो मैनी रग्स ड्यूरीज, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे ये देखे, डिजाइन्स देखे, ठीक है, वाओ, सो मैनी कलर्स, कितने कलरफुल डिजाइन्स है, जैसे सो मैनी शेप, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, सी द पैटर्न्स, पैटर्न्स यहाँ पे साड़ी पे आपने देखा होगा, साड़ी, मम्मा के साड़ी होती है उसमें इस तरह के डिजाइन्स बने होते हैं बॉर्डर पर, इधर पैटर्न एक फॉलो होता है, या सूट्स होते हैं, या फ्रॉक होती है, उनमें इस तरह के पैटर्न्स, या बेडशीट्स होती हैं उनपे इस तरह के पैटर्न्स बने होते हैं. अब ये कितने हैं देखिए यहाँ पे, इन्होंने स्क्वायर यूज किया है डायमंड शेप में, दैट इज सर्कल, ये सर्कल है, इधर देखिए 5 स्क्वायर का पीसेस बना है, दैट इज, ये हेक्सागोन है 6 पीसेस, इधर ये भी हेक्सागोन है, ठीक है, इतने डिफरेंट टाइप के शेप इन्होंने यूज किए. अब ये है, विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. अब आपको कौन कौन से शेप दिख रहे हैं ज्योमेट्रिकल, देखिए एक सर्कल दिख रहा है, ये वाला शेप है, स्क्वायर है, हेक्सागोन है, दिस पैटर्न, ये सर्कल है, डिफरेंट टाइप्स के ज्योमेट्रिकल शेप्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. तो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने कौन कौन से शेप आपको दिखाई दे रहे हैं बॉर्डर्स में, ठीक है ना. इज एनी शेप्स रिपीटिंग इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, विच वन, कोई शेप रिपीट हो रहा है बार बार, कौन सा है, देखिए ये रिपीट हो रहा है, सारे रिपीट हो रहा है, दिस वन रिपीट, ये वन सेकंड पीछे रिपीट हो रहा है, देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, शेप्स आर रिपीटिंग, है ना. आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइन, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, दिस वन, आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइन से बने हुए हैं क्या शेप, या स्ट्रेट लाइन से है, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट, तो दोनों लाइन आपको दिख रही है, कर्व भी दिख रहा है और स्ट्रेट लाइन भी दिख रही है ना, तो दोनों लाइन से ये बने हुए हैं, देखिए ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है ये वाला शेप, ये देखिए
ये कर्व लाइन है, सर्कल में कर्व लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, तो दोनों शेप है इधर. लुक नाउ, लुक एट योर क्लॉथ्स, योर मदर साड़ी, सॉल्स, रग्स एंड मैट्स. ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्रॉ देम इन योर नोट. अब आप अपनी मम्मा की कोई साड़ी लीजिए, दीदी का कोई सूट का दुपट्टा लीजिए, उसमें कौन सा पैटर्न बना है. मम्मा की साड़ी होगी, जैसे आप देख सकते हैं, आप मैम की साड़ी भी है यहाँ पर, आप देखिए मैम की साड़ी में भी पैटर्न बना हुआ है. आई कैन सी, देखिए पैटर्न मैं अभी आपको दिखाती हूँ. तो आपकी मदर की भी कोई साड़ी होगी, उसमें कोई पैटर्न बना होगा. सो दैट वन अभी मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है, जैसे ये है देखिए साड़ी, इसमें भी एक पैटर्न बना हुआ है. देखिए आपने फ्लावर का पैटर्न है, ये पूरी साड़ी में चलता जाएगा, है ना. तो मम्मा की भी साड़ी होगी, कोई पैटर्न बना होगा. तो यू हैव टू ड्रॉ दैट पैटर्न, इनसे अलग, इस वाले से अलग कोई पैटर्न आपकी मम्मा की साड़ी या कोई भी सूट में हो सकता है. आपको उसको ड्रॉ करना है, देखना उसमें ज्योमेट्रिकल शेप है या किस तरह के शेप्स उसमें आ रहे हैं. ठीक है, ये आपको क्लियर है क्या करके रखना है. यस मैम. अब देखिए टू ट्रायंगल्स. यस मैम. आप कैसे बना सकते हो. हाँ यस चल बोलिए मैम. जो जो बना सकते उसको नोटबुक लगा सकते हैं. हाँ बिल्कुल. हाँ यस मैम, जो क्वेश्चन आंसर बुक में राइट करवाए तो हम नोटबुक में राइट कर सकते हैं. हाँ कर सकते, कर सकते, कर सकते. ठीक है, तो आप इनको आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी सेंड करूंगी, तो आप उनको लेकर सेट्स बना देना कि कैसे आपको वो सेट करना है. ये वाला आपको दिखा रही थी ना मैम, ये वाला, दिस वन, ये इनके आंसर्स आई विल सेंड. मैं इनके आंसर आपको सेंड करूंगी, तो आप लोग उनको बनाना इस वाले. ये आप उनको से कैसे आप बना सकते हो. ठीक है, तो यू हैव टू मेक ड्रॉ इन योर नोटबुक, नोटबुक में ड्रॉ करके रखना. हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे. सो कैन वी एंड अवर क्लास, एंड करें क्लास. मैं आई विल सेंड द होमवर्क टू यू, आपको कैसे करना आप सेंड द आंसर. ओके राइट.